कर्म ही हमें किसी विशेष परिस्थिति में लेकर जाते हैं, किसी दुख में लेकर जाते हैं, किसी सुख में लेकर जाते हैं। तो दुख के समय हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का दुख आता है। तो दुख के समय मनुष्य क्या करे? दुखों को भोगे अपने कर्मों का फल समझ के, लेकिन किस प्रकार से भोगे शास्त्र में वो भी बताया गया है कि किस प्रकार से दुखों को भोगना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुजान्येवात्मकृतः हृदवाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेत्रयोक्तिपदे सदाय भाव। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, हृदय में ये आकांक्षा रख के कि भगवान कृपा करेंगे। भगवान अब कृपा करने ही वाले हैं, बहुत शीघ्र भगवान कृपा कर देंगे, ऐसी इच्छा रख के तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, भगवान की जो कृपा का इंतजार करते रहते हैं जो भक्त, और देव के द्वारा दिए गए कर्मों को भोगते रहते हैं। जो कर्म हमारे कर्म जो दुखों को लेकर आते हैं उनको भोगते रहते हैं, लेकिन कर्मों को भोगते हुए आत्मकृतः विपाकम, ऐसा नहीं कोई दूसरा कष्ट दे रहा है, हमारे कष्ट जो हमें मिल रहे हैं वो हमारे कर्म कष्ट दे रहे हैं, ये सोचकर। और साथ साथ में तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, जो भगवान की अनुकंपा का इंतजार करते रहते हैं, तो ऐसे लोग भगवान की कृपा को वैसे प्राप्त कर लेते हैं जैसे कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति को दाय भाग रूप में प्राप्त करता है, वो उसका अधिकार होता है, बिना क्लेम किए प्राप्त कर लेता है। उसका पुत्र क्लेम नहीं करना पड़ता है कहीं जाके, पुत्र होना ही काफी, ऑटोमेटिक मिल जाएगा सबको। लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, अपने कर्मों के कारण कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जने राज जने नदी ते छुपाए। अपने कर्म के कारण कोई स्वर्ग जाता है, अपने कर्मों के कारण कोई नरक जाता है, और अपने कर्मों के कारण अब कोई बुरा कर्म करता है ना, तो दंड जने राजा जने नदी ते चुगाए। पहले के जमाने में जब दंड दिया जाता था तो राजा कैसे उसका फल उसे प्रदान करते थे, ले जाओ इसको, जान जाते थे गुप्तचर की क्या करना है, तो वो नाव में बैठा के ले जाते थे नदी के बीच में, और इधर से पकड़ के नदी तक चुबाए, नदी में डुबा देते थे। तो अंदर जब आखिरी सांस बचती थी उस समय बाहर निकाल देते, सांस लिया, एक सांस लिया, फिर से ऐसे बार बार ऐसा करते थे। और चोरी करोगे और पाप करोगे, तो इस प्रकार से हम लोग भी संसार में कष्ट भोग रहे हैं, हमेशा कष्ट लगे हुए हैं, कोई ना कोई कष्ट दे रहा है संसार में, सबको कष्ट है, बहुत प्रकार के कष्ट हैं, और थोड़ी सी खुशी मिल जाती है कहीं, सांस ले लिए, फ्राइडे इवनिंग सैलरी अकाउंट में आ गई, और फिर हफ्ते भर कहां से ये बिल दूं, कहां से ये बिल दूं, कहां से ये करूं, ये हालत है इस संसार में। लेकिन वही एक सांस वो मधु की बूंद के समान लगती है, फिर सारे कष्ट मनुष्य भूल जाते हैं। यशवेंद्र गोप मथवेंद्र महो सुकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्ति भाजं गोविंद मादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोपिंद्र नाम की छोटी सी चींटी से लेकर स्वर्ग का राजा इंद्र तक सबको कष्ट है, अपने कर्मों के अनुसार हरेक को कष्ट प्राप्त हो रहा है, हर एक को कष्ट मिल रहा है।
आगे कहते हैं कि मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा सोचता है, यावत हतो अस्मि, मुझे मारा जा रहा है, यावत हतः, कोई दूसरा मुझे मार रहा है, या अस्मि हंता, या मैं मार रहा हूं किसी को, या अन्यों को मेरे द्वारा मारा जा रहा है, या मैं किसी को मार रहा हूं, मुझे मारा जा रहा है। तो ये मन्यते सुद्रक, व्यक्ति सोचता है देहात्म बुद्धि के कारण, ना अभिमान के कारण, करता हम, मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं, करता हम इति मन्यते, करने वाला कोई और है, लेकिन अपने आप को कर्ता का अभिमान रख के अज्ञ मनुष्य वो इस संसार में भटकता रहता है, अपने कर्म बंधन में फंसा होता है। कर्म बंधन, कर्मणा कहना गति, कर्म की जो गति है इसको जानना बहुत मुश्किल है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यज्ञात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना, मनुष्य कर्म करे तो किसके लिए करें, यज्ञ के द्वारा विष्णु के लिए कर्म करें, लेकिन लोक में बंधन लग जाता है जब मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस बात को जानने का प्रयास करता है कर्म क्या है। कर्मणो हि बोधव्यम, बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को जानने का प्रयास करता है कि कर्म है क्या, और बोधव्यम च विकर्मणा, और क्या कर्म नहीं है, विकर्मणा, कैसे कार्यों को करने से पाप लगेगा, यह भी मनुष्य जानने का प्रयास करता है, बुद्धिमान मनुष्य, और जानकर उन कर्मों से दूर रहता है। अकर्मणश्च बोधव्यम, और जो परम बुद्धिमान है वो अकर्म जानने की कोशिश करता है, ऐसे कर्म जिनको करने से बंधन नहीं लगता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है जिसके द्वारा हम इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। भोजन सब लोग करते हैं, सब लोग भोजन खाते हैं। एक व्यक्ति वो ये नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, भूख लगी बस पहुंच गए मैकडॉनल्ड बर्गर किंग और जो मिला भरने लगे, ये बिना जाने कि इसको खाने के बाद होगा क्या, तो विकर्मणा। हम ऐसा कहते हैं कि एक बार मुंबई में यूथ प्रीचिंग की जा रही थी, तो प्रचार किया गया कि विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक, नो ऑनियन नो गार्लिक, ये होना ही नहीं चाहिए अगर सत्वगुणी बनना है तो। एक लड़का दूसरे दिन दौड़ा दौड़ा आया, खुशी से बताने लगा, प्रभु प्रभु आप बता रहे थे ना कि बिना ऑनियन गार्लिक का खाना चाहिए, विदाउट ऑनियन गार्लिक का बनाया आज, शुद्धता से, बढ़िया से, हम बहुत अच्छी बात है भाई, क्या बनाया, विदाउट ऑनियन गार्लिक का मटन बिरयानी बना। जब कहा जाता है कि ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, इसका मतलब क्या है, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं है, तो विकर्म है, विकर्म, उनको पता नहीं है कि ये बुरा है, लेकिन आग को जान के छो चाहे अनजान में आग तो जलाएगी, चाहे पता है चाहे नहीं पता है आग जलाएगी, लेकिन ज्ञान भरा पड़ा है, लोग ज्ञान लेना नहीं चाहते, ज्ञान तो भरा पड़ा है, चारों तरफ साधु जन प्रचार कर रहे हैं, और कोई नहीं मानेगा तो दंड जने राजा जने नदी तक छुपाए, निश्चित रूप से उनको नरक में ढकेला जाएगा, निश्चित रूप से कुंभी पात में, रौरव में, महारौरव में फेंका जाएगा। भोजन का उदाहरण दिया जा रहा था कि कुछ लोग नहीं जानते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस खाने लगते हैं, तो ये विकर्म है, ये जानना चाहिए कि क्या विकर्म है, लेकिन और बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कर्म क्या है। तो एक व्यक्ति वो है जो शुद्धता के साथ भोजन बनाता है विदाउट ऑनियन गार्लिक का, भले भगवान को ना जाने ना समझे, लेकिन शुद्धता के साथ भोजन बना के और भोजन ग्रहण करता है, खाता है, चलो अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसको कम से कम इसके लिए नरक में नहीं जाना पड़ेगा।
वो जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, ये दोबारा जन्म लेगा तो इस पृथ्वी पर ही जन्म लेगा, कि उसने कर्म किया, पहले ने भी कर्म किया, इसने कर्म किया। तीसरा व्यक्ति शुद्धता के साथ भोजन बनाता है, अच्छे से भोजन बना के उसमें एक तुलसी पत्र डाल के भगवान के सामने अर्पित कर देता है कि भगवान आप इसे ग्रहण कीजिए, और फिर प्रसाद ग्रहण करता है, तो ये अकर्म हो गया। सभी लोग खाना खा रहे हैं लेकिन एक विकर्म पाप प्राप्त हो रहा है, दूसरा कर्म बंधन लगेगा भैया उसका, तो उसका भी लेकिन नरक में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति भगवान को ऑफर करता है तो अकर्म हो गया, कर्म बंधन नहीं लगेगा, उसे भोगने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वो मुक्त हो जाएगा, वो भगवत धाम जाएगा, वो भगवान के धाम, भगवान के घर जाएगा। ये अंतर है।